तो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो काम है दोस्तों, मुझे खबर आई है कि GTA 5 में नई लैम्बोर्गिनी आ गई है। तो फ्रैंकलिन जो है दोस्तों, वो जो है ये लैम्बोर्गिनी खरीद के रहेगा। दोस्तों सबसे पहले तो देख लेते हैं इंटरनेट पे कि कौन सी लैम्बोर्गिनी है और कौन सा उसका कितना प्राइस है मतलब। तो दोस्तों पहले से ये चले जाएंगे हम अपने कार वाले स्टोर पर, और ये जो है लैम्बोर्गिनी जो नई आई है $7.5 लाख की है दोस्तों। तो अपन ये बाई कर लेते हैं दोस्तों। ये कर दिया दोस्तों अपन ने ऑर्डर। दोस्तों परचेस फेल्ड बता रहा है क्योंकि अपने गैराज में जगह नहीं है। तो अभी अपना जो काम है वो है कपड़े वगैरह अच्छे से पहन के ना धो के अपन गैराज को खाली करें और अपनी एक लैम्बोर्गिनी के लिए जगह बनाए दोस्तों। तो पहले तो अपना सबसे पहला काम है दोस्तों वो है थोड़ा ना धो के तैयार हो जाना और अच्छा लुक लेना, क्योंकि अपन एक लैम्बोर्गिनी लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे सूट वूट पहनना पड़ेगा दोस्तों। तो अपन थोड़ा स्विमिंग पूल में नहा देते हैं दोस्तों, थोड़ा नहा लेते हैं, उसके बाद थोड़े से कपड़े पहन लेंगे दोस्तों। ये डूब गए स्विमिंग पूल के अंदर। तो आज के लिए दोस्तों इतना नहाना काफ़ी। अभी अपना जो ड्रेस है वो दोस्तों ऐसा रखना है कि अपन बहुत पैसे वाले दिखे। तो चलो दोस्तों यहाँ पे हम अंदर चले जाते हैं। तो अपने जो पार्टी वेयर के जो कपड़े हैं वो लेंगे हम दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ये अपने सब आउटफिट है दोस्तों, ये वाला एक अच्छा है, ये नहीं ये वाले कपड़े नहीं पहनने अपन को। अपन सीधा अपने जो सूट्स है दोस्तों, मैंने महंगे महंगे ख़रीद रखे हैं। तो दोस्तों ये एक है और एक ये है, अपन ये वाला ले लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे सूट के अंदर हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि टाई अपन चेंज कर सकते हैं। ये वाली टाई जो लगी हुई है ये वाली ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे अंदर का जो वेस्ट है वो वगैरह, ये वेस्ट ये वाला ही ठीक है मेरे हिसाब से, नहीं ये वाला ठीक है दोस्तों, ये बढ़िया है जो भी है। और अपन अभी तैयार है ऐसे, तो अपन अभी थोड़े से हैट वेट देख लेंगे। चश्मा है अपनी, चश्मा ये वाली बहुत, मैं चश्मा निकाल देता हूँ क्योंकि चश्मा इसके पास शायद इतनी अच्छी है नहीं। अभी अपना जो है दोस्तों टोपी देखना, टोपी सर के ऊपर कैसी है। ये नहीं ऐसी नहीं यार, सूट के ऊपर ऐसी टोपी नहीं चाहिए। अभी अपन शूज़ वूज़ देख लेते हैं अपने दोस्तों, शूज़ के साथ पैंट चेंज हो रहा है, मतलब अपने पास शूज़ नहीं है दोस्तों, और कोई अच्छे फॉर्मल वाले शूज़ नहीं है क्या, देखना पड़ेगा। हाँ है दोस्तों मेरे पास, ये वाले अच्छे लग रहे हैं। तो अपन दोस्तों अभी जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो अभी अपना जो काम है वो है यहाँ से कार लेके जो तेज़ी से गैराज के अंदर जाना, ताकि हम लोग कार को बाहर निकाले और अपनी लैम्बोर्गिनी लगा दे दोस्तों। तो अभी फटाफट से हम चले जाते हैं दोस्तों, अपन तैयार है वैसे। तो देखते हैं अपनी बाहर बाइक खड़ी है या कार खड़ी है, कौन से में जाएंगे। पहले से बाइक में चले जाते हैं, नहीं आज एक काम करते हैं दोस्तों कार से चले जाते हैं, बाइक चला चला के मैं थक चुका हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि जो नई लैम्बोर्गिनी आई है, तो GTA 5 में जब भी कोई भी लैम्बोर्गिनी आती है या कोई भी कार आती है तो फ्रैंकलिन उसको हमेशा ख़रीद लेता है दोस्तों। तो आज ये नई कार आई है तो दोस्तों जल्दी से हम लोग ले लेंगे। तो दोस्तों फटाफट से हम गैराज चले जाते हैं और मैं सीधा आपको स्किप करके गैराज के पास लेके चला जाता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे गैराज के पास आ चुका हूँ दोस्तों, और अपनी को जो है अभी एक नई कार लेनी है, मतलब पहले की जो कार है वो हटा के अपनी नई कार डालनी है दोस्तों। तो यहाँ पे अरे ये बंदा मेरे को मारने आ गया दोस्तों, अभी इसको तेरी में की इसको अपनी औकात बतानी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पे वैसे लॉस सैंटोस के जो गुंडे हैं यहाँ पे, जो पहले के सीजे थे, इसलिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा गुंडे दोस्तों। अपने अपना दूसरा काम है, अभी अपना सबसे पहला काम है दोस्तों, सब काम शाम छोड़ के एक कार को बाहर निकालते हैं दोस्तों और अपनी जो लैम्बोर्गिनी है वो यहाँ पे लगा देते हैं। तो अभी अंदर जाके देखते हैं दोस्तों अपना क्या काम है। खुल जा गैराज, खुल जा गैराज भाई, इतना टाइम क्यों ले रहा है ये। देखो आपको ये है मेरा गैराज दोस्तों, कभी आपको मैंने बताया है, मैंने एक वीडियो डाला है दोस्तों, सजेशन में आपको मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें मैंने अपनी सारी कार रिव्यू की थी दोस्तों। और ये देख सकते हो दोस्तों, ये वाली कार जो है पहले मैं बाहर निकालूंगा दोस्तों, क्योंकि ये ठीक है, अभी इसकी जगह लैम्बोर्गिनी आ जाएगी तो ये चल जाएगी। तो ये मैं किसको गिफ्ट दे दूँगा अभी, ताकि यार वो बंदा मौज करे। ये कार भी बहुत हैंडलिंग वगैरह के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। देखो देखो लोग तारीफ़ कर रहे हैं दोस्तों कार निकलते ही। ये किसको तो गिफ्ट देना है अपने को, अपना जो काम है दोस्तों क्या करे। ये यहाँ एक काम करते हैं, किसको गिफ्ट दो किसको गिफ्ट दो, ये आंटी को गिफ्ट दे देते हैं दोस्तों अपन। एक सेकंड दोस्तों, ये लो आंटी ये कार गिफ्ट ले लो, आपकी याद से ये कार हुई दोस्तों। चलो मैं चलता हूँ। तो अभी जो अपना काम है दोस्तों वो है लैम्बोर्गिनी को ख़रीदना, क्योंकि अपना गैराज अभी खाली है। तो गैराज ले ये रही लैम्बोर्गिनी,
7.5 लाख की है और मेरे लिए कोई बड़ा अमाउंट है नहीं। रेड कलर में लेंगे दोस्तों हम, और नीचे जाके ये कर दिया अपने ऑर्डर। तो ये आ गई है दोस्तों अपनी कार लैम्बोर्गिनी। अब अपने को जाना, अरे भाई साहब ऐसे कैसे लोग हैं बाहर भाई। तो दोस्तों सक्सेसफुली यहाँ पे अपने को मैसेज आ चुका है दोस्तों कि अपनी कार जो है वो आ चुकी है दोस्तों। तो अभी अपन तेजी नाल भागेंगे और अपनी कार को निकाल के इंजॉय करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं कैसी है अपनी कार, गैराज के अंदर जाते हैं पहले। वैसे तो लैम्बोर्गिनी बहुत भारी होती है, तो भी देखते हैं दोस्तों कैसी कार आई है। तो यहाँ पे आ गया लोडिंग और ये आ गई है दोस्तों अपनी कार, ये है रेड लैम्बोर्गिनी दोस्तों। अभी अपन इसको कस्टमाइज़ भी कराएंगे दोस्तों, ताकि जो है ये कार और भी अच्छी दिखे दोस्तों। वैसे तो लैम्बोर्गिनी बहुत अच्छी होती है, तो भी नई है तो इसको कस्टमाइज़ कराएंगे अपने इरशाद भाई के पास जाके, अपने जो बहुत ही पुराने दोस्त हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो आप ये कार दोस्तों, दिखने में तो ये बहुत ही अच्छी है, पर ये कस्टमाइज़ के बाद और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी दोस्तों। तो अभी चलते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे रास्ते में हूँ और अभी अपना जो काम है वो है इस कार को कस्टमाइज़ करवाना। तो यार मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, अभी मैंने एड्रेस लगा दिया दोस्तों, और बिना टाइम वेस्ट के ये कार को, और हैंडलिंग इस कार की वैसे बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको सीधा गैराज के पास। तो चलो दोस्तों, दोस्तों मैं यहाँ पे गैराज के पास आ चुका हूँ दोस्तों, और अभी अपना जो काम है ये है इसको अपग्रेड करवाना और इतना औसम बनाना कि ये कार का कोई कॉम्पिटिशन ही ना हो। तो ये आ गए हैं अपने इरशाद भाई के गैराज में अपन दोस्तों, और अभी सब जितना हो सके उतना मैक्स करना है इस कार को। और ये आर्मर जो है ये अपन फुल कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक है ये ब्रेक्स को भी फुल कर लेते हैं, यहाँ पे इंजन है इसको भी चेजी से मतलब इसको भी फुल कर देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे है ये इंजन, इंजन भी महंगा वाला लगा दिया है ये एक्चुअली। ये यहाँ पे साइलेंसर दोस्तों, आपको कौन सा वाला साइलेंसर चाहिए, बड़ा वाला है सबसे महंगा है तो ये वाला ही लगाऊंगा मैं। इसके बाद हुड है दोस्तों, यहाँ पे तीन टाइप के हैं, तीनों ही अच्छे दोस्तों। एक तो प्लेन है, प्लेन भी बहुत अच्छा लगता है। एक जो है यहाँ पे एक स्ट्रिप देगा, लाइन देगा दोस्तों, ये भी बढ़िया है इसमें ब्लैक कलर लगा के। और एक ये भी बहुत बढ़िया है, कौन सा लगाओ दोस्तों मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। मेरे हिसाब से जो लाइन है ये लगा के इसमें ब्लैक कलर लगा देंगे, एक काम करता है लाइन ही ले लेता हूँ मैं। अब दोस्तों अपना जो अगला का, ये नहीं हॉर्न नहीं, ये है हेडलाइट, हेडलाइट ब्लू वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है तो हेडलाइट ले लेते हैं। और ये है नियॉन लेआउट दोस्तों, तो इसमें क्या होता है देखो, ये जो नीचे की लाइट है वो हम लगा सकते हैं, तो ये मैंने ले लिया। और नीचे की लाइट का कलर कौन सा ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मैं रेड रख रहा हूँ क्योंकि रेड कार है ऑब्वियसली, और यहाँ पर रेड कलर का ये मैंने कलर ले लिया है। अब जो अपना दोस्तों जो काम है वो है प्लेट, प्लेट लगाएंगे अपन अपनी ब्लैक वाली ये, क्योंकि बहुत अच्छी लगती है, रीस्प्रिंट ये बाद में करेंगे। ये नीचे की स्किट है दोस्तों जो कार को टर्न लेने में मदद करती है, ये भी मैंने महंगा वाला ले लिया है। अब जो है यहाँ पे ये देखो दोस्तों पीछे का, ये आप कौन सा ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। ये देखो मैं आपको एक एक बताता हूँ, ये रेसिंग वाला है, ये उससे भी अच्छा, ये भी अच्छा, और पर मैं इसमें सबसे महंगा वाला ले रहा हूँ ये वाला, ये मैंने कर दिया है बाय। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं ट्रांसमिशन, ये स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, ये मैं पूरा ले रहा हूँ सबसे महंगा वाला रेसिंग के लिए। इसके बाद टूर्बो लेते हैं, टूर्बो अपने को चाहिए, ये व्हील्स ले लेते हैं। व्हील्स जो है दोस्तों यहाँ पे हाई एंड वाले लेंगे अपन, जितने महंगे आते हैं दोस्तों अभी तो ये लग रहे हैं फिलहाल के लिए लगे हुए, अपन सबसे महंगे लेंगे 4,290 वाले लगा देता हूँ ये वाले, हाँ ये वाले ही बाई करता हूँ, इससे महंगा कोई है नहीं वैसे। और अपना जो व्हील्स का कलर है वो ब्लैक ही है, ये वाला बढ़िया है। अब थोड़ा और कस्टमाइज़ के बुलेट प्रूफ कर सकते हो, और कस्टमाइज टायर को भी करते हो, और बुलेट प्रूफ भी कर देता हूँ मैं तो, ताकि अपनी कार बुलेट प्रूफ हो। तो अभी दोस्तों थोड़ा स्मोक डालेंगे कि कार चलाते लाल कलर का धुआं आना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद जो है अपन क्या करें, ये कांच है दोस्तों देख सकते हो, एक तो जेड ब्लैक होगा तो मैं ये जेड ब्लैक ही लगाऊंगा। इसके बाद अभी तो सब काम लगभग हो गया है, और अभी मैं बस एक ही काम रह गया, वो है कार का कलर देना। ओ माय साहब, ये देख रहे हो दोस्तों क्रोम कलर बहुत ही अच्छा है, पर मेरे को रेड कलर ही चाहिए आज, तो मैं यहाँ पे मेटालिटिक में चला जाऊँगा, क्योंकि मेटल का जो कलर है यहाँ पे सब टाइप के कलर है लैम्बोर्गिनी के लिए। अगर आप अपने लैम्बोर्गिनी पे लगाना चाहो तो बहुत, ओ वाह ये वाला अच्छा था दोस्तों, क्या ही कलर आ रहे हैं। अब अपन एक एक करके जो है अपना लाल कलर ढूंढने वाले हैं, वाइट भी अच्छा दिखता है। ओ सिल्वर 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 दिखाओ, सिल्वर दिखाओ, सिल्वर दिखाओ, भाई साहब क्या ही है। तो अपन लाल में आ चुके हैं दोस्तों, लाल में भी इधर यहाँ पे अलग अलग टाइप है,
एक ये है टोर्नाडो रेड, वो ये वाला ज़्यादा बढ़िया है। देखते हैं और दोस्तों कौन से, ये लावा रेड है, ये वाला रेड भी अच्छा है, ये वाला रेड भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये ओ वाओ, ये पिंक वाला। तो दोस्तों यहाँ पे ये कौन सा कलर लगाओ, मैं ये वाला ही लगा रहा हूँ, रेड कलर ही लगा रहा हूँ, ये वाला ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। ठीक है यार, अभी यार आगे है ना, मैं ब्लैक कलर लगाने वाला हूँ दूसरे में, रुको मैं आपको बताता हूँ, रुको मेटालिटिक में जाता हूँ। ओ भाई ये भी अच्छा लग रहा है, चरोम कलर भी, पर ब्लैक, मैं यार ब्लैक के लिए आया हूँ भाई। ठीक है ना, तो ब्लैक लगा देते हैं, अपने मेटालिटिक में जाते हैं, सब कलर देख लेते हैं। ब्लैक 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 का गया, ब्लैक का गया, ब्लैक का गया, रुको ऊपर है, सबसे ऊपर ब्लैक है, ये ले लिया ब्लैक। ब्लैक ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ये अभी ऐसा लग रहा है, पर बाहर जाने के बाद जो है कार का कलर बहुत चेंज हो जाएगा। ठीक है, अपना कार तैयार है। तो दोस्तों ये आ गई अपनी लैम्बोर्गिनी, सबसे महंगी और सबसे ख़तरनाक और नई लैम्बोर्गिनी। दोस्तों मैं थोड़ा इसको उजाले में लेके चला जाता हूँ, यहाँ पे देखिए सनसेट में, आप इसका लुक देखिए, देखो दोस्तों ये देखिए, पीछे से और आगे से हर जगह से ये ही है, ओ माय गॉड। दोस्तों अभी मैं इसको आपको अलग अलग तरीके से भी बताता हूँ, पहले मैं एक रोड पे चला जाता हूँ, पहले मैं मैप में एक लोकेशन लगाता हूँ और वहाँ पे जाके थोड़ी ड्राइविंग करके हमको, मैं इसका स्पीड टेस्ट भी बता देता हूँ, हैंडलिंग वगैरह। तो चलो यार चलते वो मैप की वो जगह पर, और जब तक ये कार की थोड़ी बहुत हैंडलिंग भी अपने को पता चल जाएगी। वैसे तो दोस्तों ये लाल कलर है, ये इतना ऑसम दिख रहा है, देखते अंधेरे में कैसा दिखता है, थोड़ी अंधेरा हो रहा है तो फिर पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है अपनी रात का लुक, देख सकते हैं आप कार कितनी ऑसम दिख रही है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी थी। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।